15 दिनों से अंधेरे में रह रहे बैगा आदिवासी। मंडला जिले के विकासखंड बीजाडांडी की ग्राम पंचायत जमुनिया के पोषक ग्राम डोभी में सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली देने की बात झूठी साबित होती नजर आ रही है। यहां पर पिछले करीब 15 दिनों से लाइट बंद है, जिससे डोभी ग्राम की पुरानी बस्ती के लगभग 50 बैगा आदिवासी परिवार अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। प्रदेश सरकार के नुमाइंदे कितने भी वादे कर ले कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन मंडला जिले के ग्राम डोभी में यह बात झूठी साबित होती नजर आ रही है। बता दें, यहां गांव में पिछले करीब 15 दिनों लाइट नहीं है, जिस वजह से बैगा आदिवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट न होने की वजह से रात्रि के समय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, साथ ही ऊपर से बरसात का मौसम होने की वजह से ग्रामीण जनों को रात्रि के समय में सांप बिच्छू काटने का भी डर भी सता रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 15 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है। नहीं तो अंधेरे में मतलब बाहर नहीं निकल सकते, बाथरूम कहीं जा नहीं सकते हैं, लैट्रिन को कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो है परेशानी। 15 दिन हो गए साहब लाइट नहीं है, बहुत परेशानी। लड़कों बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हैं, तुम्हारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जानवर हैं, सभी बात का डर है, इस कारण से लाइट होना अनिवार्य है। 15 दिन हो गए लाइट, ट्रांसमीटर जल गया। अभी बरसात के समय है तो गैया बच्चे बंद रहते हैं बाहर, साफ कीड़े मकोड़े के डर है, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे कुछ लाइट की वजह से। लाइट नहीं ट्रांसफार्म जलने के कारण लाइट चली गई और पढ़ने लिखने में दिक्कत जा रही है, और घर से रात में बाहर निकलने से कीड़े मकोड़े के काटने का डर। मंडला जिले के आखिरी छोर में बसे बैगा आदिवासी बाहुल्य ग्राम डोभी में पिछले 15 दिनों से लाइट नहीं है। ग्रामीणों द्वारा कई मर्तबा संबंधित लोगों से शिकायत की गई है, लेकिन इस ओर ना तो कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है और न ही कोई अधिकारी। अब सवाल यह उठता है कि बैगाओं और आदिवासियों के उत्थान की बात करने वाले अधिकारी या जनप्रतिनिधि या 24 घंटे बिजली देने वाली सरकार के नुमाइंदे आखिर क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इन्हीं सभी लापरवाहियों की वजह से लगता है कि 24 घंटे बिजली देने वाली बात कहीं न कहीं झूठी साबित होती नजर आ रही है, या फिर जानबूझकर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा इस योजना को फेल किया जा रहा है। के माध्यम से ये बात मेरे संज्ञान में आई है। अगर वास्तव में अगर ये बात सही होगी तो मैं निश्चित रूप से आपको मैं ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जो भी वहाँ पर संबंधित जेई है उसके अगेंस्ट में सीधे तौर पे कार्यवाही की बात करूंगा। मैं उससे स्पष्ट रूप से ये पूछूंगा कि अगर अभी तक ये 15 दिन में वो क्या कर रहा था कि ये ऐसी स्थिति बनी है। मैं किसी भी स्थिति पे जो बेसिक जो हमारा जो शासकीय अमला की जो कि इनके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, उनकी ये लापरवाही को किसी भी स्थिति में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में हम कार्रवाई की बात करेंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ विटनेस, और रहे पल पल के खबरों से अपडेट।